सात संग जी मन बिरती एकाग्र कर लई, रसना पवित्र करन लई, सब काज के आखो तन श्री सतगुरु जगजीत सिंह जी। मन बिरती एकाग्र करन लई, रसना पवित्र करन लई, सब काज के आखो तन श्री सतगुरु प्रताप सिंह जी। जिन्ने पहलुआ तो सतगुरु प्रताप सिंह सच्चे पातशाह ने सानू जाणू करवाया जां सानू जिन्ना पहलुआ दे राह पाया असी उन्हां चों कुछ भी नहीं कर सके, उधर तुरन की कोशिश करते हैं। बंकोक दे विच सच्चे पातशाह दे उपदेश रिकॉर्ड होया, तुसीं सुनिया कि हुण अगला काम जिहड़ा है वह नौजवान पीढ़ी के सिर ते आउणा है, ते उन्हां नूं चाहीदा वह जिथे अपने घर का परिवार का रिश्तेदार का भार संभालदे ने दुनियादारी का, साध संगत का भी उन्हां नहीं संभालना। असी छोटे छोटे हुण दे पुराने साधुओं तो सुनते सा कि साथों पहलों बड़ा टिकाओ सी बिरतियां दा, ते हुण सानू कोई स्वाद नहीं आउंदा इस दुनिया च रहण दा, भजन बाणी बड़ा घट गया। पर हुण जदों असी वेखदे हां अपने आप नूं, ते फिर उस वेले वो वेला याद आउंदा ते जापदा भी वो वेला बहुत चंगा सी हुण दे वेले नालों। जो साढ़े कोल पक्कियां सड़कां दे साधन नहीं सन, रेडियो टैलीविजन दे साधन नहीं सन, साढ़े कोल आउण जाण दे कारां रेलां हवाई जहाजां दे इन्ने संबंध नहीं सन, पर आपस में संबंध साढ़े बड़े वधिया सन। एक दूजे की संस्था नाल, भरावां ते भाईचारे नाल, आंढियां गुआंढियां नाल बहुत वधिया संबंध सन साढ़े। ज्यों ज्यों ये सुख दे साधन साढ़े कोल आए ने माया दे, उवें उवें असी आपस विच विछड़दे चले जाने हैं। इस वेले जिहड़ा ठाकुरां ने कृपा करके वरतारा वरताया है, पंजां साढ़े दुश्मनां दा, उन्हां दे पंजे चों निकलना कोई सगुर कृपा ही करे तो वक्री गल है, बड़ी मुश्किल गल है। इत्थे सानू इहो ही आखना पएगा, काम क्रोध लोभ झूठ निंदा इनते आप छुड़ावो। तुसीं इह समझो कि जदों साडा किसे नाल लड़न नूं जी करदा है, वह बंदा साडा इन्ना दुश्मन नहीं जिन्ना साडे अंदर दे भाव सानू उहदे सामने लड़ाई लई लिया के खड़ा कर दिंदे ने। उधर भी इस तरह ही होंदे ने। ये तकलीफ इस वेले परिवार परिवार विच, घरां घरां विच, इलाके इलाके विच, ते प्रदेशां विच हौली हौली फैलदी फैलदी सारे थां फैल गई है, जिन्हें सानू मौत दी अग दे सामने लिया के खड़े कर दिता है। इहो जे मारू हथियार ते कई कुछ जिहड़े पता ही नहीं लगता कि की साडी हालत कर देण। चलो जे मर भी जावे आदमी है तो वह भी बड़ी माड़ी गल, पर जिहड़ा लूला लंगड़ा पिंगला होके जिन्होंने जिंदगी बतीत करनी है इस लड़ाई तो बाद, उन्होंने दशा नूं वेख के तो कोई समझ नहीं आती भी की कीता जावे बगैर सतगुरु के आसरे तो, और कोई चारा नहीं। तो तुसी नौजवान इकट्ठे होके तगड़े होके उद्यम करो कि साडे अंदरों ईरखा द्वैश बखीली ये चीज़ां साड़ियां निकल जाण साडे अंदरों, सत संतोख दया धर्म साडे अंदर आवे। एक मेरा ख्याल वो बैंक दे मैनेजर हैगे ने राम निवास जी, ते उन्हां नाल गलबात चली धर्म दे बारे, ते जिहड़े आदमी अपने धर्म विच गौआं मारनियां जां होर कोई जानवर मारने वो शामिल करदे ने अपने धर्म विच, वो आखण लगे कि एक चीज है जिहड़ी धर्म दे विच सब तो मुख चीज है, वह है दया। दया जिहड़ी वो धर्म दा मुढ है, मूल है, जे वो ना होवे ते फिर धर्म कुछ नहीं।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਦਇਆ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਜੀਵ ਮਾਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਾਲ ਕਰਨੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਉਸ ਦਇਆ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਇਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੜਾ ਦਇਆ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖ ਲਈਏ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੀ ਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਖਿਮਾ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਖਿਮਾ ਧੀਰਜ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਖਿਮਾ ਨਾ ਕਰੀਏ ਕਿਸੇ 'ਤੇ। ਜੇ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਾਮ ਗੁਰੂ ਹੋਏ ਵੱਲ ਤਨਹਿ ਕਿਆ ਗਾਰਬ ਦਿੱਜੈ, ਜਾਮ ਗੁਰੂ ਹੋਏ ਵੱਲ ਲੱਖ ਬਾਹੇ ਕਹਿ ਭੇਜਿਆ। ਸੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਧੀਰਜ ਅਤੇ ਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਗਿਰਾਵਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਹਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ, ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਜਾਂ ਇਦੋਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਮੁੰਡੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਖੀਏ ਕਿ ਲਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਗੱਡੀ ਦੇ ਸਟੇਅਰਿੰਗ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਓ, ਉਹ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਅਕ ਜਥੇ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਫੜ ਕੇ ਅਤੇ ਤੋਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ। ਅਤੇ ਡਾਲਟਨਗੰਜ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੁਛ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ, ਬੜੇ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੰਡੀ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਡਾ ਖੇਡਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਅਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਨੌਕਰੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਲਈ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਖਿੱਚ ਕੇ ਗਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਚੇ ਹੋਣ, ਜਿਹੜਾ 6-7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸਿੱਖਣ ਲੱਗ ਪਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪਣਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਦੂਰ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਬੱਚੇ, ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਅਮਰੋਹੇ 'ਚੋਂ ਬੱਚਾ ਆਇਆ, ਰਾਗ ਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁਕਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੇ ਬੱਚੇ 'ਚੋਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਰਾਗ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਸਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਉਦਮ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਵਰਨੀਆਂ ਦਾ, ਪਾਠਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਿਦਿਅਕ ਜਥੇ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਘਰਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਾਠ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਹਰ ਜੀਵ ਪ੍ਰਤੀ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਕੋਈ ਬਾਲ ਜਨਮੇ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਪੂਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ ਕਰਨਾ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਬਾਲਗ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣ ਵੀ ਤੇਰਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਘੰਟੇ ਪੂਰੇ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰ। ਹੋਰ ਜਿੰਨਾ ਸੋਧ ਮਰਿਆਦਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕੀਏ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਬਚਾਅ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦਾ, ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਗਮ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਆਖਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਤਿਆਰੀ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ, ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕਮਾਨੀ ਹਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਜਾ ਕੇ ਚੰਗੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਇਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੇਤੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਕਿ ਅਸਾਂ ਸਿਰਫ ਸਟੇਜਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੀ ਸੰਸਥਾ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨਾ, ਸਾਡੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਕਲਾਕਾਰ ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਲੋ ਸਕੀਏ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਹੋਏ ਅੱਜ ਕਰਕੇ ਆਗਿਆ ਲਵਾਂ। ਮਨ ਬਿਰਤੀ ਇਕਾਗਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਰਸਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਕੱਠ ਮੇਲੇ ਦਾ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੀ ਦੋ ਦਿਨ ਨਹੀਂ, ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪ੍ਰਯੋਗ ਦਾ ਕੰਮ, ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮੇਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜਿਵੇਂ
छपार का मेला या सरंद का मेला वो भी शायद कुछ हेठा नूं जाते हो जिन्ने शरीर इत्थे होंदे ने तू बहुते बाहर बाजारां विच फिरदे ने रंग बिरंगे कपड़े पा के ये क्यों पाउंदे ने। मेरा पक्का विश्वास ये है कि ये उन्हां दे माता पिता का कसूर है बच्चों का नहीं। मैं एक परिवार नूं ऐसी एक विआह सी इत्थे ते उहदे संबंध इकट्ठे होए सां ते मैं कहा सी मैं तुहाडे ते बहुत माण रखदा सां पर तुसां बहुत अपने बच्चों नूं गलत पासे तोरिया भई तुहाडे जिन्ना चिर बच्चे पहरावे दाड़ियाँ ठीक नहीं करते मैं तुहाडे घर नहीं आउणा। ये हो सकता है कि उन्होंने फिर भी इस गल की लोड़ ना हो मैं घर लिया पर मैं जी गल अपने आखी है मैं ठीक आखी है। ये जो मेला किया है ये फेल करने वास्ते किया आसुरी संपदा के जोड़े गुण ने उन्होंने सत संतोख दया धर्म साढ़े अंदर आवे इस वास्ते मेला किया गया। जो साडा निशाना वो तो यह है कितों तक असं निशाने तक पहुँच सकते हैं वह सगुरों की रजा है अपने वास्तों बहर की गल। कईयां नूं यह है कि ऐ मेला इस वास्ते होया कि विआह होने ने किसी नूं यह है भी ऐ मेला इस वास्ते है फलाना मेरा मित्र आना उन्हूं मैं मिलना फलाने जहेदार का दवान सुनना। पर असल गल जिहड़ी है वह यही है जिहड़ी तुहानूं मैं दसी है आसरी संपदा के गुण जिहड़े ने वह फेल हो जाण ते जिहड़े सत संतोख दया धर्म साढ़े अंदर आउण तां ही साडा बचाव हो सकदा। मैनूं बड़ी संग आई इस गल की भई ऐ जीवन नगर के इलाके का मेला जिन्हां सगुरां ने इस इलाके नूं वसाया है ते इत्थे श्री सतगुरु प्रताप सिंह सच्चे पातशाह दीआं फोटो आईआं ने। मैनूं कल पता लगा कि सिर्फ 150 फोटो लगीआं ने ते इह तुसीं वेख लो भई जिन्नी कीमत उन्हां ने रखी है ना वह एको ही आदमी 150 तस्वीरां लै सकदा बड़े आराम नाल इत्थे कोई औखी गल नहीं। पर यह कि करमहीनता की गल है। मैनू इस गल की बड़ी संग आती है कि मेरिया तस्वीर जड़िया ने वह ज़्यादा लगिया ने ते जे तुसी मेरी गल मानते हो मेरी गल रखनी है तो मेरिया तस्वीर जड़िया ने वह ना लगन तो सगुरु प्रताप सिंह सारे घर घर भी तस्वीर लगन फिर मेरी गल रही है। जे तुसी मेरी तस्वीर लाते हो तो यहाँ मतलब यह है कि तुसी मेरी गल मननी चाहते हो मैनू तुसी बड़ा चंगा समझते हो चंगा तो मैं है नहीं इन्ना पर तुसी जिहड़ा समझते हो मैं वो मुताबक करदा कि जे तुसीं इन्नी गल मानते हो तो सगुरु प्रताप सिंह सच्चे पातशाह दी तस्वीरां अपने अपने घर च लो आप मुल लैके होर कोई जिहड़ा आखे तुहाडे लगे उहदा मास शराब छड़ा के भजन पछा के उहदे घर सगुरां दी तस्वीर लाओ। आ इलाका सानूं बड़ा माण हुंदा इस इलाके उत्ते भी साडी इह गल नहीं मोड़दे ते इत्थे इह गल रखी जावे ते तां ही गल ठीक है। तुहानूं हुणे सोधी जी ने आख्या ते जिस तरह कोई आदमी कड़ा प्रसाद छकदा हो ना बैठा तो वह जरूर आखिया कि जो उन्होंने स्वाद लग जाए सही। कई इस तरह होंगे सगुरु प्रताप सिंह सच्चे पातशाह 1934 जिस वे बर्मा वाल दी थाईलैंड गए तो उत्थे अपने सिंह नाल दे जिहड़े सन उह दसन कि जिहड़े चोपड़े प्रसादे सन ना वह उधरले लोग जिहड़े सन वह नहीं सन लैंदे आंदे सी सानूं मुश्क आउंदी है घिओ दी। ये भी हो सकता कई मुश्क ही आउंदी होवे पर जिन्हां नूं स्वाद लगता ना कड़ा प्रसाद वह जरूर आखणगे आ थोड़ा जिहा लै के वेख किड्डा स्वाद है। बलवंत सिंह उन्होंने सोध रखी है उन्होंने सगुरां दे दर्शन होंदे ने उन्होंने ये चीज़ चंगी लगती तां तुहानूं उन्होंने ये गल आखी है। फिर तुसीं वेख लो कि उन्होंने सोध हैगी है तो उन्हों का नियम किन्ना है किन्ना पक्का है भजन बाणी का तो उन्होंने सेहत कैसी है। जहेदार फौजा सिंह हुरी होंदे सन बंडाले दे बड़े मशहूर जहेदार सन नामधारी साढ़े वो जो लैक्चर करते करते आते सन अहे मैनू किसी ने आख्या तू चाह पी लै मैं आख्या मेरे नौ है नहीं नौवां का की संबंध है आंदा चाह पी के खुरक पै जाने मेरे को खुरकिया नहीं जाना। तो ये सारा कुछ तुहाडे सामने हुंदा है तो तुसी तगड़े होके चाह छड्डो जिस तरह सोधी होरां जिहड़े बचन आखे ने वह तगड़े होके इस पासे लगो। तो जिहड़े जे तुसी सही सच्चे मन नाल सोचो कि तुहाडे चों किन्ने कु बंदे ने जिहड़े दसवंध कढ़दे ने ते जे असी अपने बंदियां चों एवं ही गिण लिए ना भी जिन्ने इस इलाके के बंदे ने जे उन्हां चों दसवां हिस्सा कढ़ लिए बंदे सिर्फ वह बंदे दसवंध देंदे ने मेरा नहीं ख्याल इस तरह होण।
पर वो जिन्हों के पैसे वकीलों को लगने ने आपस लड़ाइया झगड़िया से लगने ने मां शराब से लगने ने वो पैसे बचते ने इस पासे लग जाते। पर जिन्होंने जो लिखा ना कुकेंद्या चागेंद्या मत्ती देंद्या नित जो शैतान मंजाया से कित फेरा है चित। महाराज जी ने कई बार तुहानू आख्या इसे दुआना में भी तुसी संभले छड़ के धोतियां बन के दुआना च आउंदे हो ते इशनान नहीं करके आउंदे सने कि असीं इशनान नहीं करके आउंदे करे है किसे मन ते गल लगी। पर जे आख्या जाए ना महाराज जी कितें ऐलान कर देना भी अज रामलीला उत्थे होनी राणी है तो वेखो कि किसी की मन ते लगती गल उत्थे रामलीला का मतलब नहीं उत्थे तुहाडे अपने बुरे मन के विचारां दा मतलब हुंदा है तां उत्थे जाया जांदा है। जे उत्थे रामलीला होनी होवे तो आखिया भी उत्थे दस दिन उत्थे नाम सिमरन होना है रात दिन लगातार तो वेखो राम रामलीला जी कहड़ा जांदा भला जिहड़ा करन वाला काम है वह साढ़े को नहीं हो रहा जो पराय सोई अपना जो तज छोड़न तिस्यो मन रचना कहो गुसाई मिली है केह जो विवर्जित तिस्यो नेह झूठ बात साची कर जाती सच होवन मन लगा है ना राती। तो हाँ सतगुरु प्रताप सिंह सच्चे पातशाह दे तुम चलो सोध रखनी तो बड़ी दूर की गल है भजन बाणी करना बड़ी दूर की गल है किन्नी बार सुनिया सतगुरां ने कल दे उपदेश जी आया सी भी ईरखा छड्डो आह किन्नियां ने छड्डी है अपने अंदर झाती मारी है मैं भी तो सारे आप तुम भी सो ये कोई जी गल छड सकन वाली है जी सोध रखनी स्नान करना तड़के उठना वो तो बड़ा औखा पर आ ही छड दो हुण विआह होने ने तुहाडे सतगुरु प्रताप सिंह सच्चे पातशाह दे उपदेश सुनिया थाईलैंड दे विच भई वो किन्ने तरीके ने उन्हां दे गलत रस्मां दे पहलों मुंडा मलण जाते ने फिर ठाका आता मैनू पूरा नहीं याद की है सच पाशाह उपदेश रिकॉर्ड होया सगुरां ने उस नूं मना कीता है तो जे असीं सियाम वालिआं नूं असीं वध जाइए तो फिर थोड़ा जिहा तुहाडे सोचण दी गल है। सो साध संगत वाले काम जिहड़े ने उह कीतिआं फिर एक ये है भई जिहनूं दुनिया ते दीन दोवें नहीं मनदे ठीक असां फिर तीसरा राह किहड़ा लभणा जाण वास्ते अजकल तुहानूं पता है किन्ना अखबारां च आउंदा है किन्नियां सभा सोसायटियां बणियां ने हज़ारां दी तादाद विच आनंद उह करदे ने इकट्ठे बाह के म्युनिसिपल कमेटियां वाले करा दिंदे ने कोरिया विच होए ने होर कईआं थावां जापान च होए ने ते साढ़े ये सिक्ख्या तो वह तो करी जान तो असी इधरों की दाज उधरों की दाज तो फिर दस देना कि आ फलाने ने इन्ना दिता है तू मैं क्यों नहीं दिता इन्ना योजे सिलसिले जोड़े ने यह साढ़े बिल्कुल नहीं होने चाहिए। ये नहीं कि बी बीनाश है बीनाश नहीं है बड़े बड़े तगड़े पहलवान ने जे किसी ने दाज दे दिता रे गड्ढे का गड्ढा भरया वापस मोड़ दिता उन्होंने मुंडिया ने कि असी नहीं लैना है कर रख तू अपने। एक दुआबे की गल सुनी सी एक मुंडा कोई गैर नामधारी कोई सी और विआह हो गया विआह होने तो बाद जिस वेले एक बार कुड़ी नू घर लै आया तो जो कुड़ी वापस चली ना पेकी तो कुड़ी बड़ी रोई मुंडे का बड़ा प्यार सी कुड़ी नाल उन्हें आखिया तू रोंदी कि आंदी मैं रोंदी जिस गलों मैं दस भी नहीं सकती तो औखी भी बड़ी हाँ रोंदी मैं इस गलों मैं पता नहीं मुड़ के मैं तेरे को इतने आना कि नहीं आना। उन्हें आख्या कारण की है उन्हें आख्या तेरे प्यो ने मेरे प्यो को 30,000 रुपया लिया भाई वो उन्हें पता नहीं किस तरह ठगी ठोरी करके जो भी कुछ वो पैसे है नहीं सन उन्हें कितों मंग मंगा के पैसे दते ने भावें उन्हें किसी नूं विखावा किया तो भावें नहीं किया पर पैसे उन्हें दते ने ते वो जिहड़े पैसे वो को आ तेरे को आ गए ने इतों बाद वो पैसा है नहीं जो मैं मुड़ के तुरना है तेरे को आना फिर इतने इन्हें आखना भी हूँ इन्ने दे वो को है नहीं इस वास्ते उन्हें आखना भी चंगा फिर मैं कुड़ी नहीं लिया ए इस गल वास्ते मैं रोंदी हाँ तो सगुरां ने कृपा उस मन से की आता तू बिल्कुल ना रो तू चुप करके तो पेकी चली जा उन्हूं छड्डन गया तो उत्थे ही रह पिया पेकी वो अपने सहुरे रह पिया आया ही ना उन्हूं चिट्ठी कल परसों सुनेहा दे देन तो खीर उन्हें आख्या भी तू आउंदा क्यों नहीं वो अपने प्यो नूं आंदा मैं आउंदा इस वास्ते नहीं जिहड़ा 30,000 तू लिया ना वो जो पूरा हो जाएगा मैं फिर आवांगा। सात संघ जी उन्हें उस वेले मेरा ख्याल पैसे भी वापस किए तो माफ़ी मंगी तो वापस कर लाया जे तो इस तरह के होना तो फिर तो वापस हो जाते हैं तो जे इस तरह आखन लगन
देखो जी मैं तो कुछ नहीं लिया, उन्हें अपनी कुड़ी नू दे गया। मैं बिल्कुल नहीं जी कुछ लिया, अपने बिल्कुल हाथ खड़े ने, बिल्कुल साफ समझ खलो गया ना, मैं कुछ नहीं लिया कुड़ी ने, जो कुड़ी वाले नू देता। ये तरीके बड़े गलत ने साढ़े। सो तुसी तकड़े हो के उद्यम करो। जिहड़े पाठां वास्ते नितने वास्ते घड़ी मुड़ी आखीदा, ऐस इलाके तेरी बड़ी कृपा है। इहदा हुण पाठ जिहड़े ने ओह ज्यों ज्यों कृपा हुंदी जांदी छड्डी जांदे ने, इह ते तुसीं जाणो इस इलाके वाले। पर मैं वैसे ये दसदा कि जहेदार रशपाल सिंह है एक, इसे राणीए विआह है, वह फतेहपुर पिंड है उहदा समाणे दे नेड़े। उन्हें एक निजम बनाया भी जो दवान चाहता ना 100 रुपया मत्था टेकता, इतू घट नहीं टेकता। आ संत सिंह बाजे वाले भी करीब करीब इस तरह ही करते होंगे ने। तो हूँ वो आए कि मेले च नहीं आ सकिया, तो उन्हें 100 रुपया भेजा कि मैं मेले च नहीं आ सकिया, तो मेरा 100 रुपया मत्था टेकया प्रवान हो जाए। नाल उन्हें एक गल आखी है भाई, ये हुक्म हों कि साल 100 पाठ करो, कदे आख्या होना। वो कहता मैं साल 120 पाठ भी करांगा नाल। तो अजकल जे 50 रुपए का रेट जो पाठिया का ला लीए, पाठिया के रेट तो बड़े उच्चे ने अजकल, जे वो ला लीए तो 6000 रुपया हो जाता 120 पाठा का। तो ये तुम वेख लो भी ये 6000 रुपया उन्हें साल का देना पाठ करके। तो तुम होर बहुत सारे वो विहारी आदमी, ये नहीं भी वो कोई इस तरह का, वो अपना विहार भी करता है, ग्रंथी का काम भी करता है, घर जमीन भांडा भी है, सारा कुछ रिश्तेदार वो भी है, टेडू उन्होंने भी लगा है। लेकिन असी सारे काम करने वाले क्यों नहीं करते पाठ, साड़ी रुचि इस पास हटती जाती है, साढ़े को वक्त भी होंगे, सारा कुछ साढ़े को होंगे, सिर्फ असी साड़ा ध्यान नहीं है। तो जेडे शरीर धागे तबीत करके देंगे ने, वो कृपा करे कर, तो वो इस पास जरा परहेज कर, होर भी जो कोई आखे लगन उन्होंने इस पास हटा। ਸਾਡੇ ਭਜਨ ਬਾਣੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਸਗੁਰਾਂ ਦੀ ਐਡੀ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸਤੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਆਖਿਆ ਬੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਢਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹ ਸਤੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ, ਢਾਉਣ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੇਕ ਨਿਕਲੇ। ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਉੱਚਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਨਾਮਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਦੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਰਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਉਹ ਸੇਕ ਨਿਕਲਦਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਠੰਡਾ ਕਰ ਲਓ ਇਹਨੂੰ ਬਈ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਲਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਠੰਡਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਸਭ ਸੇਕ ਸੂਕ ਹਟ ਗਿਆ ਨਿਕਲਣ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਧਾਗੇ ਤਬੀਤ ਕਰ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਵੱਟਣ ਵਾਸਤੇ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਛਕਣਾ ਨਾ ਇੱਥੇ, ਜੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਆ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਭੈਣ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਛਕਣ ਨੂੰ, ਪਰ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਧਾਗੇ ਤਬੀਤ ਕਰਕੇ ਦੇਣੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਇਹ ਆਖ ਲੈਣਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪਾਠ ਉਹਨੂੰ ਬੰਨ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਕਰਨੇ ਆਪਣਾ ਨੂੰ ਸੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਥੇ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਆਬਾਦ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੇ ਕਹਾਵਤ ਬਣੀ ਹੈ, ਕਾਂ ਤਾਂ ਆਏ ਮਰਦੇ ਨੇ ਸਨ ਇੱਥੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿੰਨਾ ਸਰਸਬਜ਼ ਇਲਾਕਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਤੀ ਅਤੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਫਲ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਫੁੱਲ ਸੁੰਘਦੇ ਹੋ, ਦੁੱਧ ਪੀਂਦੇ ਹੋ, ਘਿਓ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਪੱਕੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਤੁਰਦੇ ਹੋ, ਕਾਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਲਾਕਾ ਵਸਾਇਆ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵੀ ਨੇ, ਗੈਰ ਨਾਮਧਾਰੀ ਵੀ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਚੰਗੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਵਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹ ਘਰ ਸਤਿਗੁਰ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉੱਥੇ ਆਇਆ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ 7-7 ਸਾਲ ਦਾ ਇੱਥੇ ਅਨਾਜ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਆ ਜਾਏ ਜਾਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬੁੱਢੇ ਸਨ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਸਨ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਉਹ ਕਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿ 7 ਸਾਲ ਹੁਣ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋ ਗਈ। ਸਗੁਰਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਸਾਰੇ ਕੁਛ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਸ ਕਾ ਦੀਆ ਪਹਿਨੇ ਖਾਏ ਤਿਸ ਸੇ ਆਲਸ ਕਿਉਂ ਬਣੇ ਮਾਏ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਅੱਜ ਕਰਕੇ ਆਪ ਤੋਂ। ਆਪਨੇ ਗਾਈਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਖੰਨਾ ਦੁਆਰਾ, ਪਰ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਗਾਈਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਕੇ ਰਸਨਾ ਦੁਆਰਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਹੋਰ ਬੜਾ ਸਵਾਦ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਭਾਵ ਗਾਈਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਮੱਖਣ ਅਤੇ ਘਿਓ ਖਾਧਾ ਜਾਵੇ, ਇਹਦੋਂ ਬੜਾ ਸਵਾਦ ਆਉਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ
सच्चे पातशाह उपदेश करे सुनते हो तो उन्होंने नामधारियों ने एक गल आखी है कि तुसी हिंदुस्तान की सभ्यता का एक बी मात्र रह गए हो अज है ते ए तुसी दसो भी जे बी ना होवे एक गल तो शायद लम्मी हो जाए मैनूं पूरी तरह याद नहीं गुरु नानक सच्चे पातशाह एक जगह गए तो उत्थे सारे लोग मास खांदे सन मैं सिर्फ बी की गल कर रहा मास खांदे सन तो सगुरां नूं आख्या भई जी मास तो बिना इत्थे कोई होर चीज़ प्राप्त नहीं हो सकती उन्होंने गुरु नानक नूं भेटा मास ही करना सी उन्हें आख्या जे तुसीं ना खाओगे साढ़े कोलों साडा मालक सानूं मारेगा भी इत्थे आए तिथी जिहड़े नूं भुखे गए ने तो उन्होंने आख्या फिर लियाओ कोई चीज़ गुरु नानक ने आख्या लियाओ मारो दुंबा मारिया उत्थे मेरा ख्याल लिखिया तो वो मारिया जिस वेले उन्होंने तो उन्होंने को अग तो अन्न ये दोवें चीज़ा उत्थे लिखिया भी नहीं सन साढ़े नौजवान बच्चे बच्चियां नूं चाहिए वो सूरज प्रकाश नानक प्रकाश पढ़िया कर उन्हों तो बड़ा ही प्राप्त हो बड़ा कुछ मसाला पिया उन्होंने अजकल असं अखबार पढ़ पढ़ के लोगों ने अजकल दलां सुन सुन के गुरु गोबिंद सिंह का हुक्म मास खाना सारे गुरु अंगद दे हरन मार के रहने बड़िया गलां बनाते हैं लेकिन इधर नहीं ध्यान करते फिर गुरु नानक साहब ने उन्होंने आखिया भी मारो वो मार दिता वो मारिया जिस वेले तो सच्चे पातशाह ने कृपा करती उन्होंने जिंदा कर दिता हूँ असी सुनते सुनते रे सोचेंगे भी सगुरु आख्या मारो अगू खाने वाली गल आएगी जो खाने वाले तो यही सोचेंगे लेकिन सच्चे पातशाह ने हुक्म दिता भी यू जनू जिंदा कर दिता नाल आख्या भी तुम ये मास ना खाया करो अन्न खाया करो उन्होंने अन्न तो है ही नहीं इतने उन्हें आख्या कणक बीजो उन्हें कणक होंगी नहीं इतने उन्हें आख्या लियाओ कणक तो लभ के तो बीजो कणक लभद कणक नहीं लभी कितों फिर बड़ी मुश्किल नाल एक शाहूकार के कोलों पाइया कणक मिली है सेर पक्की सारे शहर चो कणक का बीज लभा फिर सगुरां ने हुक्म नाल बीजिया तो उत्थे कणक हुई उन्होंने मास खाण तो हटाया भाव मेरा कहने तो यह है कि वह एक सेर बीज कणक का हैगा सी ते लभ गया तो जे ना आता तो फिर की हालत होंगी उन्होंने सो मेरा सिर्फ कहने तो मतलब यह है कि असी सानू सगुरां ने कृपा करके बख्शिश की है कि असी एक हिंदुस्तान की सभ्यता का बीज मात्र रह गए तो बीज जिहड़ा वह जिन्ना शुद्ध होवे उन्नी अगों पनीरी उहदी वधिया हुंदी आ तो उहदे विच सिर्फ यही नहीं भी असी खद्दर दे कपड़े पा लैणे ते सवेरे उठ के आसरी वार ला लैणी है जां इह सारा कुछ उहदे विच साडा सारा वातावरण आले दुआले दा जिहड़ा उह हिंदुस्तान दी सभ्यता दे अनुसार होना चाहीदा जिहड़ियां सतगुरु प्रताप सिंह सच्चे पातशाह श्री गऊशाला दी गावां साहिवाल दी नसल दी गां ने पौणे 75 किलो दुध एक दिन दा कीता पौने 75 पाउंड मतलब कोई 36-37 सेर के करीब दुध हो जाता तो उन्हें मक्खन सारे सूए का 881 पाउंड 4 औंस कढ़िया 300 दिन का तो 339 हो जाता है जे थोड़े जे पॉइंट होर वधन फिर वो पूरा करीब 3 पाउंड रोज की औसत बह जाती है सवा सेर पक्के दी करीब जां 1.5 सेर दी मक्खन दी इहो जिहे गाइयां साडे कोल होण तां सानूं मझां दी जां होर किसे पासे दूसरियां देशां वल झाकण दी कोई लोड़ नहीं इक वार मैं मंडी विच एक इंडो जर्मन एग्रीकल्चर प्रोजैक्ट चलदा उत्थे गया तो उहनां दी तीसरे सूए दी वैड़ी जिहड़ी सी ना उहने 28 किलो दुध कीता जिहड़ियां बाहरों बड़े पैसे खर्च के आईआं वलैती गाइयां मैं उन्होंने आख्या भी तुसीं बड़ी बहादरी की है साड़ी हरियाणा की गां ने तीजे सूए 28 किलो करके तो इनाम प्राप्त किया आल इंडिया मिल्क यील्ड कंपीटीशन चो सो ये दलीलां दी गल्लां नहीं तुसीं तजर्बा करके वेखो फिर तुहानू पता लगता है कि इन्हां गल्लां विच की फायदा जिहड़े साडे सतगुरां ने हुक्म दित्ते ने पर थोड़ा जिहा ये जे कृपा कर दे ना भई जिहड़ी चीज़ अज आखी जांदी अज ही मन च वस जावे तो बड़ी वधिया हो जांदी है पाकिस्तान वास्ते किन्ना चिर सगुरां ने हुक्म दिता तो कोई मानते नहीं सन चलो फिर उत्ते आ ही पई तो फिर पता लगा फिर पछतावा एक वो चीज़ मुड़ के मिलता नहीं जिस तरह हुण गऊआं वास्ते जिहड़े पछतांदे ने भी साडी नसल गवाच गई पछतावा तो कि ऐसी चीज़ जिहड़ा वो लंघ गया टाइम वो नहीं फिर वापस हाथ आता तो अगले मेरां नूं जिहड़े भी पशु पालन दे शौक रखते ने वो कृपा करके
साहीवाल हरियाणा दियां गऊआं नूं लभ के जिथों भी उन्हां नूं प्राप्त होण अगां अगली नुमाइश विच लियाउण उन्हां नूं वध तों वध उत्साहित किया जाएगा बजाय होर किसी नसल दे। तो हुण आ के वारी नाल जिहड़े श्री नाम लैण वाले ने वो इत्थे लाइन विच आ जाण उन्होंने तुम आवाज़ दे दौ फिर आई जाएंगे नाम ले जाएंगे। परम सत्कारयोग साध संगत डॉक्टर अवतार सिंह जी बाकी डॉक्टर साहिबान जिला प्रशासन प्रेस वाले तो होश आए सज्जनों सब तो पहलों मेरा जी कर रहा है असी उन्होंने सतगुरों याद करिए जिन्हां की कृपा नाल इलाका वसया एक उन्हें सब गज के आखो तन श्री सतगुरु प्रताप सिंह और योजा कम है भी जिस तरह हम असी मरीजा बड़ी प्रेरणा दे के बड़ी मुश्किल इतने लिया ना पाकिस्तान क्ढन वास्ते सतगुरों ने बहुत कृपा की डंडे नाल भी कट के लिया कई सुखने दर्शन दे के आख्या भी छेती निकलिया वो सारे मौजूद ने इत फिर ये इलाका योजा चुनिया जिदे कीमत पैसों में बहुत घट सी जेडे उतों छड़ के आए वो जमीन बड़िया कीमत वाली सन एक एक मुरबे के सत सत मुरबे हो गए उन्होंने फिर जेडे पहले दिन लंघे ने मैं पता मैं ट्रैक्टर से 1600 मण दाणा महीने का ढूंढा रहा आप इतने ट्रैक्टर हैगा सी कार्मिक डेयरिंग WD9 लाहौरों नवा लिया से उन्होंने दिनों वो 15,000 का सी दिन योजे सन भी कोई सड़क नहीं सी बड़ा कट्टे तो मिट्टी वाला राह सी साइकलों पर भी मैं कई बार घोड़िया से जाता रहा सरसे तक सगुरां ने कृपा की ये वो इलाका सी जिदे पानी नहीं सी लभदा जीवनगर साढ़े बिल्कुल परले पासे चढ़ते पासे थोड़ी दूर एक बोर किया एग्रीकल्चर महकमे वालों जिहड़ा 550 फुट तक गया तो पानी नहीं लभा उहदे च वो फिर बड़ी मुश्किल नाल उन्होंने पुटिया सी कढ़िया बाहर पर सगुरां ने ऐसी कृपा की भी इत्थे पानी जिहड़ा वो फिल्टर पाउण दी भी लोड़ नहीं थले कैविटी बन जानी 60-70 फुट से जिन्हें भी दूर से दवा दव पानी ला इन गलों का पता उन्होंने जिन्होंने वो वेला वेख्या जो पानी नहीं सी सड़क नहीं सन बिजली नहीं सी कोई साधन नहीं सन तो साधन एको सी जिहड़ा कट्टे का हुंदा सी गर्दे का अंदर बैठे ट्रंकों के विच कपड़े जिहड़े ने उन्होंने ट्रंकों के बूहों अगे रिज बन जाती सी कट्टे की जो ट्रंक खोलते सन इस तरह की हालत सी तो उन्होंने सतगुरों ने कृपा की तो यह आख्या पानी इतने बथेरा तुम घबराओ ना कई 1949-50 एक फैमिन जहा हो गया तो इतों बहुत सारे शरीर चले गए नाभे पटियाले लुधियाने डंगर लैके सतगुरों ने कृपा की तुम घबराओ ना सब कुछ मिलेगा सतगुरों ने कृपा की पानी मिले सारा कुछ हो मीह भी पै गया फिर आ नाली का बन जिहड़ा ये किसी संस्था ने नहीं बनवाया सतगुरु प्रताप सिंह सच्चे पातशाह ने मैं नाल जांदा रहा बहुत देर पंजाब सरकार नूं आ हास के उन्हें आखना पिछले पासे 2 पिंड ने 3 पिंड ने उजड़ जाणगे सगुरों आख्या अगले पासे किन्ने पिंड उजड़दे ने ते तुसीं इहनूं बंद बना के इहदा हैड बनाओ इत्थे ते अगों पाणी चज नाल दिओ सारिआं नूं सगुरों ने हुंदिआं नहीं बणिआ लेकिन बाद विच उह सारा काम होया। तो इत्थे मैनूं इह चेता वी सरदार हरदयाल सिंह SDM हुंदे सन ते बदरू राम तहसीलदार सी उन्होंने दिनों से वो आप भी आके इतने मैं आप जाता रहा सड़क बनाने वास्ते तो जिनी मिट्टी सड़क पर पानी हनेरी ने उड़ा के लै जानी इस तरह की हालत सी तो सगुरों कृपा की सगुरों ने आख्या से भी मेरा दिल उस दिन खुश होएगा जिन थोड़े घर बिजली के पक्के लगन गए तो तुम सुख लाओगे भावें उन्होंने सगुरों असा समझिया नहीं तो उन्होंने मुखालफत की कोई भी काम चंगा हो मुखालफत जरूर हो जाती है पर सगुरों ने यह आख्या कि मेरा निंदा नाल कुछ घटता नहीं तो उस मेरा कुछ बढ़ता नहीं मैं खुशी है कि मेरी कौम जी है ना पाकिस्तान इन्ना धन लैके जमीन लैके इतने आ गई तो इतने आके बस गए सगुरों ने पट्ठा लवाया जिसे इटा पक्या करवाइया इतने थेड़ के उत्ते उदों पट्ठा लकड़ा ना चलता से लकड़ा ना पट्ठा चला के कई मुफ्त इटा दती कई वही कीमत दी किसी तरह करके इतने खूह लवाए उस तो बाद जो पहलों लगे ने मैंने चेता चंकी तरह तो नहीं पर 11 ट्यूबवैल बड़ी मुश्किल नाल पहले लगे सन तो पानी सगुरों ने कृपा करके दिता इस वास्ते उन्होंने सगुरों को जरूर याद रखना चाहिए मैंने बड़ी खुशी हुई है कि भगत सिंह के नाल इतने क्लब की गलबात चलती है पर भगत सिंह ने सगुरु राम सिंह किवें याद किया क्लब वाले भूलना नहीं चाहिए।
ਵਰਿਆਮ ਅਖਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਉਹਨੇ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ 1992 ਦਾ ਬਸੰਤ ਅੰਕ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਾ 121 'ਤੇ ਉਹ ਭਗਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਬੜੇ ਪ੍ਰਤਾਪੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਦੋ ਬਦਮਾਸ਼ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਲੈਣ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਵੇਖਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਪਰ ਸਿੱਖਿਆ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਖਸੀ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਗੋਕਲ ਚੰਦ ਇੱਕ ਲੇਖ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਾਦੀ ਦਾ ਭਰਾ ਇੱਕ ਮਾੜੇ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਉਸਨੂੰ ਹੁੱਕਾ ਪੀਣ ਦੀ ਆਦਤ ਸੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਇੱਕਦਮ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਦਮੀ ਕਤਲ ਜਿਸਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੁਧਰੇ ਤੋਂ ਸੁਧਰਿਆ ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜੁਰਮ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਇਹ ਸਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਕੋਈ ਸੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੀ ਭੇਜਿਆ ਉਹ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਉਸਨੂੰ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਭੇਦ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਕੁਝ ਇਨਾਮ ਲਏਗਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਅਜੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਅਸਤੀਫਾ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਅਸਤੀਫਾ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਕਰੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ ਉਹ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਾਣੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਵਦ ਕੱਠਿਓ ਨਾ ਜਾਤ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਚਰਨ ਕਮਲ ਸੰਘ ਉਹ ਆਦਮੀ ਜਿਹਦਾ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਹਥਿਆਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪਰ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨੇ ਸਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਿਰਫ ਨਾਮਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸਭ ਧਰਮਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਖਿਆ ਜੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਏ ਪੂਰਾ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਸੋ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਸਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਓਨਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਰਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਡਰੱਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਰਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਮਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਛਡਾਏ ਜਾਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਛਡਾਈ ਦੇ ਨੇ ਪਰ ਇਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਜਣੇ ਜਿਹੜੀ ਲੱਕੜੀ ਇੱਕ ਜਣੇ ਨੇ ਬੋਝ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਬੱਚਾ ਇਸ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਸਮਝਾਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਆਓ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਆਖੇ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਆਓ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਛੱਡਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜਵਾਨੀ ਹੈ ਉਹ ਸੰਭਲੇ ਜਵਾਨ ਹੀ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਬਿਰਧ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੁਣ ਉਹ ਵੇਲਾ ਸੀ ਸਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਨਾਲ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਪਰ ਹੁਣ ਲੱਗਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਜਵਾਨ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੋਵੇ ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਧੰਨਵਾਦ ਉਹਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਉਹਦਾ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਲੈ ਲਈ ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੰਨਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਧਰਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੇ ਵਿਹਾਰ ਆਚਾਰ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਕਰੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਪਾਨ ਗਿਆ ਟੋਕੀਓ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ 13 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਲੜਕੇ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਸ ਡਾਕਟਰ ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਰਦੀ ਹੈਗੇ ਸਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਗਵਰਨਰ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਸਨ ਗੋਆ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਕਚਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਧਰਮ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਹੀ ਦੱਸਾਂਗਾ ਅਤੇ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੱਸ ਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਬੋਲੀ ਹੈ ਸੱਚ ਧਰਮ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੀਏ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖੇਗਾ ਵੀ ਝੂਠ ਜ਼ਰੂਰ ਬੋਲੋ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਆਖੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਉਹ ਦਸਤਖਤ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਦਸਤਖਤ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਜਾਵੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਇਦੋਂ ਅਗਾਂਹ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਜੀਵ ਜੰਤ ਨੇ ਉਹ ਕਈ ਥਾਈਂ
इश्तिहार लगे ने कि इन्हों जीव जंतुओं को बचाओ। जे वो जीव जंत आखन भी बंदे नू मार के असा खाना है तो फिर बंदा की सोचेगा। वो साढ़े विच रहन वाले ने असी इस गल नू मानते हैं कि बाद विच बदला लेना देना पैंदा है, सानू तो सप्प मारन दा हुक्म नहीं। इस वास्ते ये सारिया गल्लां नू ध्यान च रख के पूरी तरह सेवा करो। जिस तरह इतने पता नहीं किसी ने आख्या सी भी नामधारी जिहड़े नू अजे भी सेवा सफाई करते हैं अपने घर की, हुण बहुत नहीं रह गए। इन्हां बाद विच एक दो शरीर हैगे ने जिहड़े झाड़ू दिंदे ने तड़के उठ के। तो ये सेवा बहुत जरूरी है। जिहड़ा उन्होंने बाणी विच लिखिया कि जिन्नी सतगुर प्यारा सेवा तिन्ना सुख सद होई, गर्मियां सियाल विच ही कोजे सारा सुख। ये तां होवेगा जे असीं अपने तरीके नाल नाम जपांगे, भरिया मत पापा कै संग ओह तोपा है नावै कै रंग। एक मील पत्थर लिखिया कि ए सरसे नूं सड़क जांदी है, इन्नी दूर सरसा है। वह बंदा मील दे दुआले बह जाए कि ये सरसा सरसा तो होना नहीं, वह सड़के पेगा तो सरसे पहुँचेगा। तो भरिया मत पापा कै संग ओह तोपा है नावै कै रंग। ये अनुसार नाम जपो, सगुरू कृपा करन। मैनू बहुत खुशी हुई है कि डॉक्टर अवतार सिंह उन्होंने बड़ा ध्यान दिता इस जिले वाल। एक जिहड़े पहले कोई आए ने उन्हां दा कसूर नहीं, टाइम आउंदा जिहदे जिहदे जिम्मे कोई काम लगा हुंदा अकाल पुरख वालों वह हो जाता। तो बहुत वधिया गल है। एक खुद भी डॉक्टर ने अखां दे, मैं एक गल सारिआं नूं आखांगा अपने नामधारी सिंघां नूं जोर नाल, दूजिआं नूं अदब नाल बेनती करांगा कि जिहड़े फार्म इन्हां ने नेत्रदान वाले आखे ने उह वध तों वध लवो। जदों तुसां शरीर छड्ड देणा तुहाडे किस काम नहीं आउणी अख। साडे वी तां रवायत हैगी है भी जे अज आखदी है ना भी जिउंदा ही अख दे दे सगुरां दी कृपा नाल दे देगा। तो पर तुसीं वह फार्म भरो, वह फार्म अपने जिले के अफसरां नूं दिओ ताकि जिस वेले तुहाडा शरीर चले वह आ के किसी नूं वह अख दा वह कम कर सकन। होर कोई गल आखण वाली जिहड़ी नहीं, बहुत ही रह गई। समा जिहड़ा ना, पैसे होर बहुत सारी चीज़ां ने, पर सब तो समा कीमती है। जिहड़ा एक मिनट लग गया ना बंदे दा, वह वापस कदे नहीं आ सकता भावें सारा जो ला लवे। इस मुताबिक समय दे वध तो वध समय दा वक्त फायदा उठाया जाए। नामधारी नूं मैं आखांगा वो करे, वो नामधारी ने जिन्हां नूं अद तो अद्धी रात तों बाद फिर नींद नहीं सी उठ के भजन करदे सन। ते हुण तुसीं देख लो जे कोई हुण उठ के पट्ठे वढ़न चला तां चंगी गल तां नहीं लगदी। अगे तुसीं जाणदे हो, सो मैं यही आखांगा सगुरां दी कृपा नाल पुत्ता माता की आसीस ਨਿਮਕ ਨਾ ਬਿਸਰੋ ਤੁਮ ਕਹੋ ਹਰ ਹਰ ਸਦਾ ਭਜੋ ਜਗਦੀਸ਼ ਹੀ ਅੱਜ ਕਰਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਤੇਰਾ ਸਭ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਤਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਇਸ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਸੜਦੇ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਭਜਨ ਬਾਣੀ ਕਰ ਸਕੇ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਸਕੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਵੇਲਾ, ਉਹ ਘੜੀ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਤੁਧ ਨੋ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਤੁਧ ਕਿਆ ਦੇਵਾ ਹੈ, ਮੰਗਾ ਹੈ ਲੇਵਾ ਹੈ ਰਹਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਭਜਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਸਗੋਂ ਜੇ ਇੱਕ ਮਾਲਾ ਭਜਨ ਦੀ ਜਾਂ ਭਗਵਤੀ ਦੀ ਫੇਰ ਕੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਮੰਗਾਂ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਆਦਮੀ ਕਿ ਆਹ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਆਹ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਆਹ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਹ ਪਾਸਾ ਬੜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਸਗੁਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਮਿਲਾਏ ਅਵਗੁਣ ਵਿਕਣਾ ਗੁਣ ਰਵਾ ਬਲ ਰਾਮ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਣ ਦੇ ਕੇ ਅਵਗੁਣ ਸਾਡੇ ਲੈਂਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹਮਰਾ ਗੁਣ ਅਵਗੁਣ ਸਭ ਸਹਿਆ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬਰਸਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਟਦੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਝੋਨਾ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਉਹ ਦਾਤੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਉਤਾਂਹ ਨੂੰ ਮਾਰੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਦਾਤੀਆਂ, ਬਈ ਮੇਰਾ ਝੋਨਾ ਤੂੰ ਸੱਤਿਆਨਾਸ਼ ਕਰਤਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਤਾ।
एक तो झोना खराब होया अगे तो होर अगे लिए दातियां रब न चला। इस तरह ही कोई माड़ी जी गल हो जाए इतने कई बार आता तुम ये दसो भाई जे इतने दाड़ियां मुनण तो बिना लैन देन तो बिना जे कोई विआह हो जाते हैं तो कोई पाप तो नहीं होंदा, पर जे कोई दाड़ी मुन्नी वाला कितने आ जाए तो उन्हूं एक नूं आखिए ना भी तू ना इस तरह कर जा तेनूं डर लगेगा इस गल का तो वह फिर वाहवा औखा हो जाता है। तो उसके नाल चलो वो औखा हो हट भी सकता उसके नाल जिन्ने वो रिश्तेदार होंगे ना फिर वो ये समझ जाने साड़ी बड़ी बेइज्जती है। जे साध संगत की एरिए कोई बेइज्जती नहीं जो इस दाड़ी मुन्नी वाला आके विआह करावे ये तुसा ही इस चीज़ को सामभ के रखना है तुसा ही इनू तैयार रखना है तुसा ही यदि सेवा करनी है इस मर्यादा की तुम इस गल तो ना पिछा पवें करो कदे भी। कई बार इस तरह बहुत ही बार वेख्या गया मैं खिमा ही मंगागा कई नाराजगी ना आवे भाई बच्चे जिहड़े ने वो तो गल मन जाते हैं माता पिता जिहड़े ने उन्होंने वो जां ते बच्चे नूं नेड़े नहीं लगन देणगे। मेरे को इहो जिहियां गल्लां भी कई आई ने चोरी आके ना बच्चे आते हैं भी साढ़े माँ प्यो लैन देना करना चाहते हैं तो साडा ना ना लो सानू तंग करनगे घर में तो उन्होंने हटाओ तो वह आ गल इस वे इन्होंने फलाने दिन आ गल करनी है। हम फिर इतों दसो भी ये बच्चे का कसूर है कि माँ प्यो का कसूर है ये तुम आप ही दस दौ। बच्चे तो कच्चा दुध है कच्चे दुध का पनीर बना लो खोआ बना लो कोई चीज़ बना लो दही जमा दो काढ़ के बच्चे तो इस तरह का उन्होंने उत्ते जिस तरह घर के गल करते हो साध संगत की निंदा घर में होंगी है इतने आके भजन बाणी वाले पास भी बह जाते हो तो साध संगत भी पूरी तरह बैठ दौ घर आके जी गल करते हो बच्चे से बहुत बुरा असर होंगे तुम हंडे वरते हो तुम फिर भौ के आ सकते हो भी चंगा जी असी गलती की यार पर बच्चा समझता भी मैं जिसे चला गया ठीक है उसे जिस तरह मैं अगे भी गल की ना जो आर्ट्स लै लेंगे ना वो समझते हैं सारे को साइंस नहीं पढ़ी जानी हूँ वो साइंस में औखा समझते हैं फिर आते हैं सानू आर्ट्स ही मंजूर है ये रहन तो सत्संग नहीं पढ़िया जाता ऊंचाई बड़ी औखी है। कबीर ने इस वास्ते आख्या जे मार्ग पंडित गए पाछे परा बहीर एक औघट घाटी राम की ते चढ़ रहे हो कबीर। जेडे आदमी चढ़ाई चढ़ जाता है जे कि वह चार पौड़ियाँ उतर जाए जो उच्चा भी नहीं पैन फिर बड़ा औखा होंगे। बच्चों हमेशा यह सिक्ख्या दया करो साध संगत वाले पास की आदमी तो गलतियां हमेशा होंदियां ने वड्डियां तो होंदियां ने छोटियां तो होंदियां ने पर जे तो असी इनू सारा नू अपना टब्बर समझिए फिर तो असी बाहर गलती नहीं दसांगे अपने परिवार च बह के आखांगे आ गल ना करी बाहर पता लग गया तो इस तरह हो जाएगा। मैं हुण जिन्हां दे विआह होए मैं इन्हां नूं भी यह गल आखांगा कुदरती गल सामने आ गई है भाई तुहाडे विआह होए ने ये जीवन है अज बड़ा सुख जापदा कल नूं उह दुख दा कोई ना कोई गल ऐसी घटना हो जाती है आर्मी के मन से माड़ा असर होंगे। बच्चों के बच्चे बच्चिया जिन्हें हैं तुम थानू चाहिए थोड़े कोई गल हो आपस बह के उस गल आराम नजिठ लो करद तक भी कोई पता ना लगे पर जे कोई गल ऐसी आ ही जाती है बहुत ज़्यादा भी साढ़े दुआ तो नहीं निबड़ती तो इतने साढ़े को मेरे को आ जाओ आपस बह के गल नबेड़ लो उदू बाद माता पिता ना गल करो। मैं इस वास्ते आना मेरा यही मतलब भी माता पिता ही गुस्सा कर देना भी सानू लांभे कढ़ दिता वो इस तरह होंगे। मैनू हुण साल तो नहीं याद आना पाकिस्तान बनने तो बाद की गल है मैं चक्रवर्ती जी के घर गया उत्थे पटियाले उत्थे एक बीबी मैनू मिली नौजवान लड़की उन्हें मैनू आख्या भी मेरे माता पिता ने यह वेख्या भी उन्होंने पैसे बड़े ने घर दे ते टब्बर बड़ा तगड़ा है बंदियां वाले ने यह वेख के मेरा उत्थे विआह कर दिता है। नामधारी माता पिता ने खुल्या वाल कुड़ी विआह दित्ती तो उन्होंने नामधारी बना के फिर आंदे की ने देखो जी असं एक टब्बर वधाने टब्बर वधदा नहीं फिर अपना करदा कई बार एक आदमी ऐसा कंध नूं उत्ते हाथ पाए ने उत्ते चढ़न दिया एक आदमी ने थले लत्तां फड़ियां ने उस नूं खिच के चढ़ लेगा उत्ते बड़ा बलवान होए चाढ़ भी लवे मैं नहीं आता नहीं चढ़ लवे पर बहुते आदमी वह लत्तां खिचियां थले ही डिग पैंदे ने फिर थले वाले नाल। जे किसी नूं आखो भी तड़के उठ के दो बजे भजन कर उन्हूं पंजाह बार आखो तो असर नहीं होना तो एक बार आख दे बड़े ही राहत है जो तू चार बजे छे बजे उठ पी की फर्क पैदा इन्ने उठते हैं ताकि तेनों की फर्क पै जाए वो चट असर होएगा उससे। वह नामधारी लड़की गैर नामधारी वाले उसने व्याही गई चंगा घर वेख के जमीन भांडा वेख के वह मेरे को आई
मैनू आँदी जी अज मैं आई हाँ, मैनू नहीं पता मैं मुड़ के मिल सकना कि नहीं मिल सकना, पर मेरी हालत जो घर में हैगी है उन्हूं मैं ही जानती हाँ, मेरे माता पिता कोई फिक्र नहीं इस गल का। सारी सारी रात मेरे हाथ पावे थले दे छड़दे ने कि तू मास बना, आँदी मेथों बनता नहीं। तो जो मेरी हालत है पता नहीं किनिया रातों तो यह काम चलता है। अज मैं मिली हाँ, मैनू नहीं पता मैं मुड़ के मिल सकती है कि नहीं मिल सकती, चोरी आके मिली हाँ। तो मैनू ना मैं वह ना पुछया ना पिंड पुछया, तो कुड़ी मुड़ के नहीं मिली, यह नहीं पता मर गई है कि ठीक हो गई, मैनू कोई पता नहीं बारे। सो मेरा सिर्फ कहने का मतलब है इतने आके माता पिता का तलक नहीं रह जाता, फिर साढ़े नाल वास्ता पैदा, मैं ता गल बच्चों। सो तुसी नामधारी वेखो उसकी जायदाद घट हैगी है, तां वी उत्थे करो चंगी जायदाद वाले करोगे ना तो वह तकलीफा आउंदियां ही ने। वह तकलीफा नूं आदमी फिर इस तरह करते हैं, वह फलाना व्याह जी तुसां कीता सी वह किस तरह हो गया, वह किसी ने बात नहीं पुछी, इहो जिहे गल्लां करनगे। ये गल्लां सारियां अपने टब्बर च नहीं सोभा देंदियां, अपने टब्बर की तो गल तो है भी आह गल मैनू आके आखना तुसां कीता सी तो इस तरह हो गया, आपां इहनूं समेट लईए, ये तो गल हो गई ना ठीक। तो जे आप ही आखन लग पाए तुम्हें किया व्याह साध संग जिस तरह हो गया इस तरह हो गया, यह गल चंगी नहीं लगती। सो बच्चों बच्चों चाहिए आपस में बह के वह हम बालग होकर विह उन्होंने होंगे ने सियाने होंगे सियाने हो गए विह हो उन्होंने वो उन्होंने घर गल नजिट लैन तो गल जो कर साध संगत वाले पास ही कर। एक पास दुनिया है एक पास साध संगत है, साध संगत गिणती बड़ी थोड़ी जापती है, दुनिया वेखण बड़ी बहुत सारी जापती है, पर जे उहदे वजन होवे ना। राजे जनक ने एक वेरा ना दा नाम कोई मुलनी बेचा गहने रखिया सी, सारी दुनिया के पाप नहीं उहदे पलड़े च पुज सके, बहुतात दी इह गल है। सो तुसी हुण वेख लो भई बहुत सारे लोग ने जिहड़े वोटर ने, वोटां लैण वाले थोड़े बंदे ने, वह उहनां नूं उंगलां ते नजाई फिरदे ने वोटां लैण वाले, आप ही आने सानू लड़ा लड़ा के मारन रहे हैं। वो जिहड़े काम करन वाले बंदे ने, सो भजन बाणी करन वाले जिहड़े ने, वो थोड़े भी बहुत नालों तगड़े होंदे ने, तो उन्हां वाल सगुरु हुंदा जिहदे वास्ते लिखिया कि जाम गुरु होए वल तनह क्या गर्भ दिजै, जाम गुरु होए वल लख वाहे क्या कजै। वो तगड़े होके भजन बाणी करो, ऐ शुक्र शुक्र करदे आ बड़ी मुश्किल नाल त्रास त्रास करदे आ दिन लंघाए ने भी किस तरह के दुआले अग बल दी, तुसीं सगुरां दी कृपा नाल मेला आराम नाल हो गया, कोई तकलीफ वाली गल नहीं हुई। सच बह कृपा करन अगांह तो भी मैं सारे नामधारियां नूं आखांगा जिथे जिथे एक दूसरे नूं मिलो उन्हां नूं इह गल आखो इस भयानक समय विच एक एक माला भजन की एक एक भगौती की अपनी रक्षा वास्ते फेर के सगुरू राम सिंह सगुरू प्रताप सिंह सच्चे पातशाह चरणां च अरदास करो भी कृपा होवे ते साडा बचा होवे। सच्चे पातशाह ने हुक्मनामे च लिखिया कि इउं ना आखना कि राम सिंह नूं भजन बाणी करता सी उहनूं ओह फड़िया गया इस तरह मैनूं शब्द नहीं याद, साडा की करूगी भजन बाणी। तो ये सानू नहीं पता भी किन्ने साडे पाप ने, सगुरु राम सिंह सच्चे पातशाह ने हुक्म दिता है कि मैनू इत्थे भी थोड़ा ही भजन बाणी कीता सी, भजन बाणी ने इत्थे कैद विच सुख दे छड्डिया, किन्ने साडे पाप ने वह निंद जिंद करवा के इत्थे ही मुकाते ने। मेला होया मेले विच माड़ियां भावनावां वाले सीधियां पगां वाले चंगियां भावनावां वाले मोने ते हुक्का पीण वाले सारे आउंदे जांदे ने, तो भावना नूं फल लगना, भावना नूं इहो जिही रख्या करो भी जिहड़ी सगुरू वाले पासे दी रहे, ते जिस वेले साडा अंत दा वेला आवे उस वेले फिर सानूं कोई तकलीफ ना आवे। अजे बी नास नहीं, इत्थे कृपाल सिंह धूड़कोट वाला वो सारा सारी उम्र पाठ कर करके उसने बिताई है, तो भैनी साहब नूं घर ही समझिया उन्हें, पिंड मैनूं नहीं पता वो किन्ने दिन जांदा सी साल चों, ते जदों अखीर दा वेला आया उन्हें आख्या मुंडियां नूं सद लो मेरा हुण अखीर दा समां आ गया, कल रात उस पहले रात पाठ की रौल लाई है, तो उस तो बाद आख्या मेरा समा आ गया हूँ, उन्होंने कुछ आख्या उख्या नहीं, मेरा हूँ हुक्म आ गया, मैनू मैं हूँ चले जाना आके चढ़ाई कर गया। तो ये पता लग जाए सब तो वड्डी विद्या यह है भी जो चढ़ाई करना है जिनी चलन जाने जिन्हें सानू पता लग जाए भी चलन वेला जो वो किस तरह का किस तरह असी काबू पा सकते हैं। तो ਵਿਆਹ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕੁਛ ਵੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਨ, ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਨ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ
ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਸ਼ਟ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ, ਇੱਥੇ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਇਆ, ਬੜਾ ਭਾਰਾ ਜਿਹਾ ਸਰੀਰ, ਇੱਥੇ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਕੱਲ੍ਹ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੱਸੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ। ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਖਾਣ ਪੀਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਨਾਮਧਾਰੀ ਸੀ ਇਹ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੂਸਰਾ ਹੋਲਾ ਹੋਇਆ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਸ ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਮਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਖਾਣ ਪੀਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਕੱਛ ਵੀ ਮੈਂ ਲਾ ਛੱਡੀ, ਕੱਛਾ ਜਿਹਾ ਪਾਉਂਦਾ ਸਾਂ, ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫੇਫੜੇ ਗਲ ਗਏ, ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਪਟਿਆਲੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਵੱਡਾ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਉਹਦਾ ਦੋਸਤ ਸੀ, ਅਖੀਰ ਇਹ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹ ਹੁਣ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਣਾ। ਰਾਤ ਰਾਤ ਕੱਢ ਲਏ, ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕੱਢ ਲਏ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹਦੀ ਵੱਡੀ ਲੜਕੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਵੱਲ ਵਿਆਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੁੜੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਰਾਤ ਨੂੰ 10-11 ਵਜੇ ਕਰੀਬ ਆਉਂਦਾ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ 'ਚੋਂ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਮੇਰਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਜਮਦੂਤਾਂ ਨੇ ਫੜਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗ ਹੀ ਸੁੱਟਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਦੱਸੀ, ਅੱਗ ਹੀ ਸੁੱਟਿਆ ਅਤੇ ਸਗੁਰਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਬਚਾਇਆ ਸਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਇਹ ਦੱਸ ਭਾਈ ਤੂੰ ਮਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਖਾਂਦਾ ਪੀਂਦਾ ਹੁਣ ਛੱਡਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ? ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, 3 ਵਾਰ ਪਤੀਆ ਭਰ ਲੀਨਾ, ਮਨ ਕਠੋਰ ਅੱਜ ਹੁਣਾ ਪਤੀਨਾ। ਇੰਨਾ ਮਨ ਕਠੋਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਨਾ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਅੱਗੋਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘਿਆ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਭਾਈ ਬੰਦ ਫਿਰ ਆ ਗਏ ਨੇ ਜਮਦੂਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਰੇਲ ਦੇ ਇੰਜਨ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ। ਫਿਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਇੰਜਨ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ, ਫਿਰ ਥੱਲੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਛੱਡਿਆ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾਗਾ, ਖਾਵਾਂਗਾ ਨਹੀਂ ਪੀਵਾਂਗਾ। ਫਿਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਰਹਿ ਸਾਹ ਸਕਦਾ ਮੇਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੋਲੇ 'ਚ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੇਲੇ ਵਾਸਤੇ। ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਉਹ, ਉੱਥੇ ਮਸਾਨਗੜ੍ਹ ਜਿਹੜੀ ਕੋਠੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੌੜੀਆਂ ਉਤਰਿਆ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ, ਅੱਗੋਂ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਰਾ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ, ਮੇਲਾ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਭਾਰ ਭੀੜ ਸੀ ਸਾਰਾ ਸੰਗਤ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਰ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਸਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਸੁਪਨੇ 'ਚ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆ। ਅਖੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ, ਅਪਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਹਰਕੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ। ਫਿਰ ਉਹ ਆਪ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਗੁਰਾਂ ਨੇ ਰਚਨਾ 'ਚ ਜਾਈ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਫਲਾਣਾ ਮੇਲਾ ਕੈਂਸਲ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੇਲਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਸਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਜੋ ਕੁਛ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੇਲਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਗਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲੜਕਾ ਮਲੂਕ ਸਿੰਘ ਸੰਤ ਨਗਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਪਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਮਦੂਤਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਪਈ, ਸਗੁਰਾਂ ਛਡਾਇਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਦੱਸੀ ਸਾਰੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਉੱਥੇ, ਫਿਰ ਸਗੁਰਾਂ ਆਖਿਆ ਚੰਗਾ ਜਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਵਾਪਸ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਸਰੀਰ 'ਚ ਪ੍ਰਾਣ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਨਰਸਾਂ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਈਆਂ ਵੀ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆਈਏ ਉੱਥੋਂ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ 4 ਵਜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 1 ਵਜੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਅਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਤਾਂ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਲੰਮਾ ਪੈ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਨ ਹੈਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਤਾਂ 'ਚ, ਮੇਰੇ ਡਿੱਗ ਪਾਂਗਾ ਉੱਠ ਕੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਸਗੁਰਾਂ ਰਹੂ, ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਸੀ, ਆਹਦਾ ਮੈਂ ਉੱਠਿਆ ਮੇਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਠ ਬੈਠਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਸਣਕੇ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਲੰਮਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਨਰਸਾਂ ਆਈਆਂ, ਨਰਸਾਂ ਆ ਕੇ ਅਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਭੱਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਵੀ ਉਹ ਤੇਰਾ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਉਂਦਾ। ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੌਲੀਆ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਅਤੇ ਕੱਪੜਾ ਕੋਈ ਚਾਦਰ ਚੁਦਰ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਭੱਜਾਇਆ ਚੱਪਲਾਂ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚ ਜਿਉਂਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣ ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾ ਪੀਵੀਂ ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਮਰ ਜਾਏਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪੀਂਦਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦੇ, ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਪਿੰਡ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਅਜੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਹਿਲਣ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹਾਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਕੇ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਲੰਬੜਦਾਰ, ਮੈਂ ਮਾਮਲਾ ਕਰਾਉਣਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉੱਥੇ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਇਹ, ਹਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਮੈਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕੁੜੀ ਤੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕੇ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਛਡਾ ਕੇ ਫਿਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਵੱਲ ਉਹਨੇ ਵਿਆਹੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹਟਣੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਨਾ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਜਿੰਨੇ ਧਰਮ ਦੇ ਬੰਧਨ ਨੇ
वह साढ़े फायदे वास्ते ने, सगुरान उन्होंने की है उस गल ना। सो उन्होंने पूरा रह के कोशिश करो, आदमी बने गलतियां वास्ते, गलतियां हो जाए पर उन्होंने वापस लेना चाहिए, गलती को पक्का करके समझ गए कि हाँ मैं ठीक किया, किसी ने डाका मारिया, किसी ने चोरी की है, वह मैं ठीक किया, जो कुछ किया मैं अपने ढिड वास्ते किया, मैं ही करता, उसे इस तरह नहीं होना चाहिए। गलती करके तो मुड़के वही माफ़ी मांगेगा वास्ते ठीक वास्ते तैयार हो। माफ़ी की गल है, इतने मैं कई ने आख्या भी सारे सारे माफ़ कर देना चाहिए। मैं सगुरां दे उपदेश सुनिया भी जिहड़ा माफ़ी मंगण वास्ते घरों तुरदा ना, दिलों माफ़ी मंगण वास्ते, वह उत्थे घरों तुरदा ही बख्शिया जाता। जिहड़ा इत्थे आ के ढिड विच कोई गल रख के माफ़ी मंगता है, उन्होंने सच्चे पाशाह आख्या मैं भी आख दिया ना, तां वी नहीं बख्शिया जा सकता। तो माफ़ी मंगण दी गल यह है, सगुरु राम सिंह सच्चे पाशाह दे हुक्मनामे च पढ़िया भी अंदरों सगुरु बहुत अरदास सुनता, बाहरों नहीं सुनता, अरदास करया करो सच्चे पाशाह कृपा करन मेरे ते भी तुहाडे ते भी, असीं सारे सगुरां दे हुक्मां ते चलीए ते सगुरां दे चरणां विच सुरखरु होकर हाजिर हो सकीए। तो फिर मैं उन्हां दा बहुत धन्नवाद करदा जिन्हां ने मेले विच सेवा की है, असां दयाल सिंह होरीं ते पता नहीं सुते भी इन्हां ने सारी रात, ते होर कई लंघ रही जिहड़े साडे सामणे ही नहीं, जिहड़े ये चाहुंदे ने भी साडा पता ही नहीं लगे किसे नूं सेवा करदे ने, असल ते उह तां उह सामदे ने जिहड़े पैसे कोई आदमी कमाउंदा ना, उह इहो जिहे थां लगा के रखदा जे किसे नूं पता ना लगे, घरदिआं नूं वी ना पता होवे, जिहड़े उह भजन बाणी करदे ने रात नूं 11-12 वजे उठ के सारी सारी रात जा के भजन बाणी करदे ने, फिर दसदे नहीं किसे नूं, वह बहुत धन ने। सगुरु कृपा करे सानू भी वह जीवन प्राप्त होवे, तो इहो जिहे मेले होण जिन्हां 'च असीं भजन बाणी कर सकीए ते सगुरां दे चरणां विच सुखरु हो के हाजिर हो सकीए। एक एक माला भजन की, एक एक भगौती की ये पूरी तरह याद रखो, जिन्हें जो कठिन समय है फेर के सगुरां दे चरणां 'च अरदास करो, जो जो सहायता जो रखिया जो रखवाली सगुरु कर सकता साड़ी, वो कोई नहीं कर सकता, ना असी कर सकते, तो पम दुकान कोई साढ़े रखिया नहीं कर सकदियां, साड़ी रखिया सगुरु कर सकता। ये तुसीं जरूर करो इन्ने दिनों वास्ते, जो घरों तुरो अरदास करके तुरो सगुरु कृपा कर साढ़े ते, असीं ठीक ठाक घर पहुँचिए। इस तों अलावा एक एक घंटा नाम सिमरन हर जीव प्रति, एक एक पाठ आदि का या दसम का हर महीने का हर घर प्रति ये जरूर करो, तो कोशिश करो कि ये पाठ भी जड़े ने असी जी प्रति कर सकी है। तो मैं यही अर्ज करके आप सब तो आगे लाऊंगा।